फ्रेंड, कैसे हो आप सब? ये देखो, मैंने बनानी है चार टमाटर की प्यूरी। ये मैंने ले लिया है मिल्क, ये मैंने ली चार हरी मिर्च, ये मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर। ये चार लोगों के लिए रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही चटपट बनने वाली रेसिपी है इसे। ये मैंने ले लिया है मिल्क और ये सुहाना का पनीर मक्खन वाला मिक्स। ये इसमें मिक्स कर सकते हैं दूध में मसाले को अच्छे से। इसको अपने पेस्ट बना लेंगे दूध में मिक्स करके। इस मसाले को, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है पहले से एडवांस है ये मसाला। इस तरह आप भी अपने घर पे ये जल्दी बनने वाली सब्जी बना सकते हो। अब ये मिक्स हो चुका है, मैं अब दे लेती हूँ पनीर। पनीर को आप अपने हिसाब से काट सकते हो। ये देखिए, मैंने तो इतने बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं इसके। ये देखिए, मैंने ले लिया है सरसों का तेल। तेल गरम अच्छे से हो चुका है, अब मैं कर लेती हूँ पनीर को फ्राई। वैसे पनीर अच्छा लगता है फ्राई करने के बाद जब खाते हैं इसको। मैं तो खुद से ही जाती, मैं पनीर बनाती तो मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। क्यों, बिना फ्राई किए क्या होता है? बिना फ्राई किए ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ इसे। गैस थोड़ा कम कर दिया था पहले, हाँ, बंद मैंने कर थोड़ा दिया था। बंद कर दिया हाँ था क्योंकि सरसों का तेल ज्यादा गर्म हो जाता है, तो थोड़ा टेम्परेचर करके कम करके ही इसमें फ्राई क्या किया जाता है, उसमें तला जाता है। किया जाता है। हाँ, उसको फ्राई किया जाता है। थोड़ा टाइम दो, उसके बाद ये होगा। वैसे दोस्तों, ये सब्जी वगैरह सब मैं ही बनाता हूँ। वीडियो के चक्कर में आज इनको वीडियो बनाना था तो ये शूटिंग कर रहा हूँ मैं खाली, वरना मैं बहुत अच्छी सब्जी बना देता हूँ पनीर की। हाँ, ये सही सही बात है कल सही तो। बात बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सब्जी पनीर की जो कोई भी डिश है, जो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, उनको तो वैसे ही पसंद है बनाना सब्जी वगैरह। हाँ, पनीर सब्जी वगैरह पनीर की सब्जी बनाना उन्हें बहुत पसंद है। ये इनको इनको ज्यादा पनीर ही पसंद है खाने में भी। सही बात है। अब देखो, ध्यान रखो हुआ या नहीं हुआ। हो रहा है, थोड़ा चलो टाइम लगेगा इसको। ये मेरी पनीर हो गई है फ्राई, हम निकाल लेते हैं बाहर। मैंने गैस बंद कर दी थी, मैं कर लूँ गैस चालू, क्योंकि मुझे अब टमाटर की प्यूरी इसमें डालनी है। मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है, इसको 5 मिनट में हम इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। तब तक इसे तेल नहीं छोड़ जाए, टमाटर अच्छे से पक नहीं जाए। ओके। इसके अलावा और और क्या ही? बस 5 मिनट बाद ये अच्छे से हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएगी, तेल छोड़ देगी। तब इसमें जब ये दूध से बना हुआ पेस्ट या जो मसाला मैंने रेडी करके रखा है सुहाना का, ये इसमें डाल के बना लेंगे। ये देखो, मेरी प्यूरी हो गई एकदम रेडी, एकदम तैयार। देखो, अच्छे से तेल इसमें छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जो सुहाना का जो मसाला मैंने मिक्स किया था मिल्क में, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसमें मसाला मिक्स कर दिया है जो मैंने रेडी करके रखा था मिल्क के साथ, वो इसमें मैंने डाल दिया है। आप इसमें, आपको कुछ भी नहीं डालना है इसमें, ना ही नमक डालना, ना ही मिर्ची डालनी, कुछ भी नहीं डालना। आपको नमक की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये अच्छे से पक जाए और तेल छूटते तब हमें पनीर ही डालना है। तो रेडी बन के तैयार हमारी पनीर मक्खन वाला। इसमें तेल आ गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर। पनीर डालने के बाद मैं इसमें रखूंगी 2 मिनट। 2 मिनट के लिए मैं इसमें रखूंगी, फिर हमारी पनीर रेडी हो चुकी है, पनीर मक्खन वाला। दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें।